खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जिला वाराणसी में 10 मार्च 2019 को मौलाना पुरगा ब्लॉक चोलापुर है, वहाँ पे लगभग 12 बजे रात को जो है कि डकैती पड़ी थी, जिसमें कि 4 चोरों ने और 3 गैंग में जो मौजूद थे सास ससुर बहू उसको बंधक बना करके, जिसमें 1.5 लाख कैश और उसमें कुछ गहने, जिसमें कि एटीएम कार्ड ले गए थे, उसमें से ये एटीएम कार्ड के द्वारा 20,000 रुपया भी निकाल लिए गए थे। इस शातिर को जो है कि चौबेपुर थाना अंतर्गत क्राइम ब्रांचों ने 18 मार्च 2019 को उन्होंने जो कि 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उसका जो कि खुलासा भी किया है। अच्छा, में कितने लोग थे? 4-5 लोग थे? कितने? 3 जन तो घुसे अंदर, नकाब लगाए थे। अच्छा। और 2 बाहर खड़े थे, तो ये सीओ साहब भी कहा कि ये तीनों के बताओ, वो लोग बाहर थे तो उनका मैं बताओ, लेकिन बता दिया वो लोग को कि ऐसे एक वहाँ वाच कर रहा था, एक ऊपर था, और 3 नकाबपोश थोड़े घुस के हमारे अंदर सब कार्रवाई की। सब गहना रहे, सबका पैसा रुपया। लगभग में कितने गहना होगा दीदी? अरे बहुत रहा, सोने का रखे करीब। ये पहली बार चोरी हुई कि मतलब पहली बार? एक 1,55,000 रुपए की लूट की गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इस घटना के अनावरण हेतु क्राइम ब्रांच और एसपीआरआई साहब के नेतृत्व में टीमों को लगाया गया था और बहुत कम समय में इस घटना का अनावरण करने में पुलिस को आज सफलता मिली है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, रामबाबू सोनकर और अरमान पुत्र शमीम। ये दोनों सैदपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं और इसमें से रामबाबू सोनकर का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। इन अभियुक्तों को ये जानकारी हो गई थी एक इन्हीं का साथी मुकेश के माध्यम से, बनारस और भदोही इन जनपदों में जो आउटस्कर्ट्स पे मकान रहते हैं उनका रेकी करके लूट की घटनाएँ करते थे और इसी से अपनी उपजीविका और इसी से अपने शान शौक भी ये पूरा करते थे। इनका इसमें से एक राम बाबू है, इसका लंबा आपराधिक इतिहास है, इसके खिलाफ 8-10 मुकदमे जनपद के थानों पे और अन्य जनपद और निकटवर्ती जनपदों के थानों पे पंजीकृत है। अन्य अभियुक्तों से पूछताछ करके इनके गैंग के बारे में और जानकारी हासिल करें। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।